दोस्तों, एक हारा हुआ इंसान कभी दूसरे की जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमारी कह रही है बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत। जी हाँ गाइज, उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी का खतरनाक ट्रेलर रिलीज हो गया है। और भाई साहब, सच में एक लाइन में कहूँ तो बहुत ही धांसू और माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है, क्योंकि यार जो परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है कंगना रनौत की, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। तो कैसा है ट्रेलर, पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट यार, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, और वीडियो यार थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना यार। सो दोस्तों, इमरजेंसी के अंदर कंगना रनौत लेट श्री इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री भी थी। सो यह फिल्म भारतीय राजनीति के उस दिन को यहाँ पर जस्टिफाई करती हुई नजर आएगी, जिसे हम इंडियंस काला दिन के हिसाब से भी जानते हैं, यानी ब्लैक डे। जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हमारे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। कंगना रनौत की ये पॉलिटिकल ड्रामा मूवी 6 सितंबर को रिलीज हो रही है दोस्तों, और इसके अंदर हमें नजर आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में श्रेयस तलपड़े, एंड जयप्रकाश नारायण के कैरेक्टर में नजर आएंगे यहाँ पर अनुपम खेर। और दोस्तों, इस मूवी के अंदर अनुपम खेर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि वो प्ले कर रहे हैं जय नारायण प्रकाश का जो कैरेक्टर है उसको। और जो 1975 के दौरान जब इमरजेंसी लगी थी, और उस टाइम पर जय नारायण प्रकाश ने बहुत ही खतरनाक तरीके से क्रांति में हिस्सा लिया था, और एक तरह से मेन केंद्र बिंदु रहे थे वो क्रांति के। तो यहाँ पर अनुपम खेर का काफ़ी चैलेंजिंग रोल हमें देखने को मिलेगा। और जो एक सरप्राइज देखने को मिला गाइज, वो मिला हमें फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ के रोल में मिलिंद सोमंद के रूप में, और उनका डायलॉग काफ़ी अच्छा है ट्रेलर के अंदर। सो मूवी फोकस करेगी 1975 की इमरजेंसी के दौरान किस तरह से कांग्रेस का पतन होता है, और 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी इंडिया के अंदर, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तो जिस तरह कांग्रेस का गिरता हुआ ग्राफ दिखाया जाएगा, और ये एक तरह से बीजेपी का उड़ता हुआ सूरज दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, पॉलिटिकल थ्रिलर भाई साहब, सस्पेंस क्या क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या कितनी सच्चाई इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ट्रेलर के अंदर जो यार कंगना रनौत ने बवाल काटा है, सच में दाद देनी पड़ेगी। क्या डायलॉग डिलीवरी बोले हैं, क्या चाल डाल और क्या मेकअप और क्या लुक्स उनके नज़र आ रहे हैं। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया जैसे डायलॉग देखने को मिलेंगे। और एक और डायलॉग है उनका कि यार मैं ही कैबिनेट हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से पिक्चराइज किया गया, और डायलॉग डिलीवरी सच में एकदम टॉप लेवल की। सो दोस्तों, मूवी यार सितंबर में आ रही है, तो देखते हैं दोस्तों क्या गजब करती है यह मूवी।